हेलो गाइस, क्या हाल है यार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज है माता रानी का 14 दिन और आज माता रानी रूप में हम सभी को दर्शन देंगी। तो गाइस, और आपने थोड़ा क्लिप देखा ही होगा किस तरह हमारी माता रानी यहाँ सज रही हैं। एंड आज पूरा ब्लॉग देखना गाइस, बहुत मज़ा आएगा। सच बता रहा हूँ कि हमारी माता रानी का स्थान हमने पूरा अच्छे से सजा दिया है एंड बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और चलते हैं माता रानी के यहाँ पे और देखते हैं कैसा क्या हो रहा है वहाँ पे गाइस। अभी तो मैं घर पे हूँ, अभी जस्ट सो के उठा हूँ और अभी चलता हूँ फ्रेश व्रेश होकर नहाकर फिर मिलते हैं माता रानी के स्थान पर और सारा दिन का ब्लॉग शूट करते हैं कैसा क्या होता गाइस। और शाम तक का आरती के टाइम तक ब्लॉग पूरा शूट करेंगे। तो फिर चलते गाइस और देखते कैसा क्या होता है अपने ब्लॉग में गाइस। आज देख सकते हैं कि हमारी माता रानी की पूरी पुताई हो चुकी है एंड कुछ पेंट वगैरह रह गया जो करने का वो भी हो रहा है। एंड एक भाई हमारे ऊपर चढ़ा है वो कर रहा है एंड एक ये और गाइस ये कुछ ये कालम बचे हुए हैं जो आज ये पुताई हो जाएगी। आज माता रानी विराजमान होंगी ना तो पूरी फुल व्यवस्था हो रही है यहाँ पे। बाबूजी पुताई कर रहे हैं। हाँ वो बाबूजी आ रहे, दोनों बाबूजी आ रहे हैं। पूरी गिर रहे हो रही। Hours later. तो गाइस देखिए हमारे यहाँ से मतलब देवी मैया का नज़ारा। अभी समथिंग रात के 8 बज रहे हैं और यहाँ से देवी मैया का नज़ारा देख सकते हैं। हमारी आज काफ़ी सज गई है एंड अभी कल भी सजावट रह गई है, मतलब रोज़ को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं सजावट। और यहाँ पे हमारा मंडप बन गया है, यहाँ पे हमारी माता रानी बैठेगी यहाँ पे गाइस। और तो गाइस देखिए आज हमारी माँ कुष्मांडा के रूप में हम सभी को दर्शन देंगी। और ये माता रानी का हमारा शेर और ये माता रानी का तीर कमंडल एक ये भी है और ये माता रानी की गदा और भाई साहब भैया जी को निसे दिन दावत के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी moments later.